मांग बदनाम परिवर्तन हो और हमारे साथियों को एक सम्मानजनक बदनाम मिले। तीसरी मांग हमारी ये है स्वास्थ्य शिक्षक का पद एकल पद है जिले के अंदर। तीन मुख्य मांगे हैं तो संगठन अपने भाइयों के सहयोग के साथ पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम इस काम में सफल होंगे। मैं अपनी जनपद शाखा का अध्यक्ष था, पहली बार जनपद से निकल के प्रदेश में आया हूँ। मेरे बड़े भाइयों छोटे भाइयों ने मुझे प्यार दिया है। जो आप पे विश्वास किया गया है उसके लिए अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा कोई मतदाता नहीं है, मेरे सारे भाई हैं। इन्होंने जिस विश्वास के साथ मुझे इस जगह तक पहुंचाया है उसका 100% भरा करने के लिए मैं अपनी सारी कोशिश करूँगा। मैं अपनी राजनेता नहीं हूँ, वादा नहीं कर रहा हूँ। उसकी मांग बदनाम परिवर्तन हो और हमारे साथ दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर और उस समय राज्य उस चिकित्सा कर्मचारी का प्रदेश चुनाव हो रहा है, उसमें तमाम कुपर्क पेश किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। कल मैं व्हाट्सएप देख रहा था तो उसमें किसी ने लिखा था कि योगी जी के राज्य में कोई बता दे कि कभी आंदोलन हुआ है। अरे आप भूल रहे हो, आप पे विश्वास किया गया है उसके लिए बहाली मतदाताओं को क्या लेकर वो आंदोलन हो रहा है। मेरे सारे भाई कहीं ना कहीं किसी रूप में आंदोलन होते चला आ रहा है। सरकार के डर से हम अपनी मांग और अपने अधिकारों को मांगना भूल जाएंगे, हम अपनी पत्रावली नहीं बढ़ाएंगे, यह तो कायरता है। और जो वर्तमान कार्यकारिणी है पूर्ण रूपेण कायर सिद्ध हुई है, वीडियो साइड में चल रहा है, आप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या वादे किए हैं आर्या जी ने। क्या उन वादों पर कहीं खरे उतरे हैं? एक भी वादा पूरा किए हैं? इनका वादा था पुरानी, इनका एक वादा था पद नाम परिवर्तन, पीएमओ करना, अधिकारी बना रहे थे और हमको लग रहा है कि उसके लिए एक पत्रावली भी नहीं दे पाए सरकार या शासन को। दूसरी बात, यात्रा भत्ता, ये भी वादा पूरा नहीं हुआ। वेतन विसंगत, तो वेतन विसंगत के नाम पर लाखों लाख रुपया वसूली हुआ और ये बताया गया कि 17 लाख समथिंग हाई कोर्ट में दे दिया गया। उस वकील का नाम बतावें, हमको तो लगता है कि गोपाल शरण चतुर्वेदी भी अच्छे वकीलों में गिनती होती है हाई कोर्ट इलाहाबाद में, और वो भी 2 लाख से ऊपर नहीं लेते हैं। 17 लाख वाला वकील कौन पैदा हुआ है वहाँ हाई कोर्ट में जो 17 लाख ले लिया और आज तक उस पर कोई 4 साल में कार्रवाई नहीं हो पाई। हमको तो लग रहा है, पता नहीं डेट भी कभी पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो दोस्तों, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए और इस चुनाव में दिल और दिमाग को स्थिर करके आप निर्णय करें कि क्या ये कार्यकारिणी पुनः बुलाने लायक है। हमें तो लग रहा है कि यह कार्यकारिणी सबसे निकम्मी कार्यकारिणी हुई है। जब दो गुट आपस में लड़ रहे थे, दो दो कार्यकारिणियां हुआ करती थी प्रदेश में। आप देखिए, मैं शासनादेश दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर दिखाई देगा कि उस समय भी ग्रेड पे परिवर्तित हुआ, दो गुट आपस में लड़ रहे थे फिर भी कर्मचारियों का लाभ हुआ। और जहां एक कार्यकारिणी रही है उसमें क्या 4 साल में एक भी वादा नहीं पूरा कर पाई? और जो वादा अपना एक भी नहीं पूरा कर पाई, क्या ठंडे दिल से सोचिए कि क्या उनको पुनः बुलाने लायक है? मित्रों, किसी बाद में न बहते हुए निर्विवाद अब की बार आप लोग मतदान करें और जो कार्यकारिणी एकदम निकम्मी साबित हुई उसको उखाड़ फेंकें, उसको पुनः मौका न दें, नहीं तो फिर
वैसे पश्चाताप करते रहेंगे और फिर चार साल ये कार्यकारिणी चलेगी और वादों की बरसात होती रहेगी। इस बार भी वादों की बरसात होगी। जो कहा जा रहा है कि 17 लाख का हिसाब उस दिन देंगे, अरे उस दिन क्या 17 लाख का हिसाब देंगे? उस दिन मौका रहेगा आपको हिसाब, आप 17 लाख का हिसाब देंगे कि अपने और वादों का हिसाब देंगे कि अपने वादों पर क्या किया है आपने। अरे अपने वादों पर जो भी पत्रावली मान्यवर आपने आगे बढ़ाई है उस पत्रावली को तो सार्वजनिक करिए। तो आप तो अपने प्रतिनिधि लगा दिए हैं, आप लोग जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आर्या जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, और यह वीडियो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आप नजीर हो जाएंगे कि ऐसे भी निष्क्रिय अध्यक्ष हुआ करते हैं। तो आप नजीर न बने, संगठन को बदनाम न करें। जो संघनिष्ठ साथी है, क्योंकि रमेश उपाध्याय, बीके सिंह, ये लोग संघनिष्ठ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, कुछ ना कुछ तो उपलब्धियां दिलवाते रहे, तो क्यों ना हम उनको चुने जो कुछ हमको उपलब्धि दिए हैं। बीके सिंह जी तो मान लीजिए रिटायर हो गए, लेकिन बीके सिंह जी रमेश उपाध्याय जी के साथ हैं, तो क्यों ना हम रमेश उपाध्याय को पुनः मौका दें, जो शासन सत्ता में अनवरत दौड़ते रहते हैं, जिनका शासन सत्ता में पकड़ भी है, मैं देखा हूं। तो ऐसे लोगों को चुने, कहीं ऐसा ना हो कि चाहते थे जिनको चुनना छट गए वो लोग, तो ऐसा ना करें। एक वोट का बड़ा कीमत है, और हमारे ख्याल से उन कार्यकारिणियों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए जहां दो या तीन ही कार्यकारिणी में लोग हैं, उनको कार्यकारिणी नहीं माना जाता। कार्यकारिणी, पूर्ण कार्यकारिणी जहां होती है उसी कार्यकारिणी को वोट देने का अधिकार है, बाकी कार्यकारिणी को वोट से वंचित करना चाहिए, और इसके लिए आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि जहां पूर्ण कार्यकारिणी नहीं है वो लोग मतदान के अधिकारी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय संघ।